हेलो गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं वुकॉन्ग की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, अगर आप लोबी में हैं और अगर आपको पता करनी है कौन सी मैप आने वाली है, तो आप वुकॉन्ग कैरेक्टर से पता कर सकते हैं। अगर आपकी जो बुश की कलर है वो अगर ब्राउन आती है तो करारी मैप आने वाली है, और अगर आपके बुश की ब्राउन वो जो ग्रीन आती है तो आपको बर्मुडा या फिर पुटगरी मैप आने वाली है। तो अब आते हैं अपनी अगली ट्रिक्स की ओर। तो गाइस, अगर आप पानी पे है और आपको क्रॉस करना रिवर या फिर कोई भी पानी की जगह होगी, तो अगर आपको स्विम करके जाना है तो आप बंदे आपको आराम से देख सकते हैं और आपको आराम से गोली मार सकते हैं। और वहीं अगर आप वुकॉन्ग कैरेक्टर की यूज़ करते हैं तो आप आराम से जो नदी है वो पानी के अंदर आराम से स्विम कर सकते हैं, और आपको बंदे जो है वो एक थोड़ी भी आपको नहीं देख सकते। तो गाइस, ये सबसे अच्छी फ़ायदा है, ये बहुत बड़ी फ़ायदा है वुकॉन्ग कैरेक्टर की। और हम लोग आते हैं अपने अगली ट्रिक्स की ओर। तो गाइस, अगर आप सामने एक अच्छी स्क्वाड है और अगर आप फाइट ले रहे हो अच्छे बंदे लोग, तो गाइस आप वहाँ से बंदे लोग को आराम से चकमा देकर निकल सकते हो, जैसे अभी मैं करने वाला हूँ। देख सकते हो पूरी स्क्वाड है मेरा यहाँ पूरा स्क्वाड निकल चुकी है। अब मैं वुकॉन्ग कैरेक्टर को यूज़ करके देख सकते हो आप लोग मैं कितनी आसानी से वापस पीछे निकल गया, और आप लोग और मैं हील कर सकता हूँ वुकॉन्ग कैरेक्टर को यूज़ करके, देख सकते हो। तो अब देखो गाइस, बंदे सामने से पार हो गए पर उसे पता ही नहीं चला कि मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। आपको एक और क्लिक दिखाता हूँ। तो देख सकते हो सामने पूरी फाइट चल रही है, एक स्क्वाड है पूरी। इसे मैं पहले मारता हूँ। आज मैं यहाँ हील कर लेता हूँ अपने आप को। तो गाइस, सामने मुझे बंदे मार रहे हैं और देख सकते हो मैं वुकॉन्ग कैरेक्टर को यूज़ करके कितने आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ। मुझे एम भी नहीं कर पा रहे वो बंदे, तो देख सकते हो मैं यहाँ कितने आराम से आसानी से बच कर निकल गया। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वुकॉन्ग कैरेक्टर की। और गाइस, आप लोग वुकॉन्ग कैरेक्टर को यूज़ करके अपनी गन जो है गन की एमओ वगैरह सब रिलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं एक स्कार और एक M40 ले लेता हूँ। मैंने एक M40 और एक स्कार ले लिया है, और मैं इनहेलर ले लेता हूँ। गाइस, आप वुकॉन्ग कैरेक्टर मतलब बुश के अंदर जो है आप लोग रिलोड कर सकते हो उसके अंदर से भी, और आप लोग जो मेडिकेट वगैरह सब लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने सारे बुलेट्स में स्कार की जो ख़त्म कर दी, और सॉरी पूरी जीरो पर ख़त्म कर दी। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो मैंने स्कार के बुलेट जो है वो सारे ख़त्म कर दिए, सिर्फ चार बुलेट बची हुई, और M40 के भी वही करने वाला हूँ। तो देख सकते हो अब मैं वुकॉन्ग कैरेक्टर में आ गया हूँ, और मैं अपनी गन्स जो है वो रिलोड कर सकता हूँ। अब देख सकते हो M40 की भी रिलोड होगी, और स्कार के भी एमओ जो वो रिलोड होगी, और आप गन्स को आराम से चेंज कर सकते हो। आप मेडिकेट लगा सकते हो, इनहेलर के यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस, यहाँ मैं एक इनहेलर यूज़ कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो सामने बंदा, और उसे पता भी नहीं चल रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ। आपको मैं और एक और क्लिप दिखाता हूँ। तो गाइस, यहाँ मैं डाउन हो चुका हूँ, और सामने पूरी स्क्वाड है, और अब मैं इस बंदे के पास जा रहा हूँ। शायद ये मुझे मैं नीचे उतर जाऊँ तो ये मुझे रिवाइव दे सकता है। मैं नीचे उतर गया, अब वो मुझे रिवाइव देने के लिए आ रहा है। तो गाइस, यहाँ मैं वुकॉन्ग कैरेक्टर को यूज़ करके मैं आराम से हील कर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कैरेक्टर की। सब कैरेक्टर के अलग अलग खासियत होती है गाइस। जरूरी नहीं कि बस आलोक है तो आप प्रो बन जाओगे, सब कैरेक्टर का अलग अलग खासियत है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर।